अरे अंकल आप यहाँ पे क्यों? क्या मैं यहाँ नहीं आ सकता? हाँ हाँ जरूर आ सकते हैं। आप कुछ जरूरी बात कहना चाह रहे हैं? जी बिल्कुल, मैं बिना जरूरत के तो कोई जाता ही नहीं। यहीं पर बैठे? हाँ हाँ क्यों नहीं, फॉर ए चेंज। आइए आइए। कैसे हो दीपक? मैं अच्छा हूँ, आप कैसे हैं? बिल्कुल ठीक। मैं कुछ चाय वगैरह का इंतजाम? नहीं बैठो, चाय वगैरह रहने दो भाई। मैं ये कहने आया था कि हम कोई भी ऐसा वैसा काम नहीं करेंगे, चाहे हमें बड़ा टेंडर मिलने में, बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिलने में कुछ वक्त ही क्यों ना लग जाए। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, मेरा सोचना भी कुछ ऐसा है। हाँ बिल्कुल इसी तरह से होना चाहिए। और फिर क्या है कि हमारे नाम के साथ वो हमारे ग्रेट दोस्त नारायण का नाम भी जुड़ा हुआ है ना, तो हमें नाम और बिजनेस दोनों का ख्याल रखना पड़ेगा। अगले इसी तरह से आप यहाँ पर आकर हमें समझाते रहिएगा, थोड़ी बहुत मदद हमें भी मिलती रहेगी। जी बिल्कुल, मैं तो आता ही रहूंगा और समझाता रहूंगा। इसलिए आज मैं तुम्हें ये समझाने आया हूँ कि ये टेंडर, कोटेशन और ये सारे फाइल जो हैं वो कहीं भी छोड़ देते हो, रख देते हो, उन्हें कोई भी पढ़ सकता है, उनको जरा संभाल कर रखना चाहिए। मेरा मतलब है कि ताले चाबी में। देखो जमाना बहुत खराब है। आपकी ये बात भी याद रखूंगा। वैसे आप तो कुछ और भी कहना चाह रहे हैं? हाँ भी वो एक सीक्रेट है, बात जो है हमारे आपस में ही रहनी चाहिए। मैं अंदर जा सकता हूँ? अरे क्या बात कर रहे हो, सुना नहीं अंकल ने क्या कहा? हमारे आपस के बीच की बात, और तुम कोई गैर नहीं हो, तुम हमारे अपने हो, क्यों अंकल? हाँ बिल्कुल, बेवकूफी की बात कर रहा है। अरे भाई तुम और कुसुम घर के आदमी हो, तुम हमारे साथ ही बैठोगे और हमारी बातों में हिस्सा लोगे। बताइए अंकल क्या बात? हेलो भैया, मैं सुमन बोल रही हूँ। अरे सुमन कैसे हो तू? तेरे घर पर सब कैसे हैं? क्या है भैया, मैं आप ही के यहाँ से बोल रही हूँ। अच्छा ये बता, तू आई है तो घर पर रुकेगी ना? देखती हूँ भैया, फिलहाल आपसे बात करने के लिए कोई बहुत उतावला हो रहा है। एक मिनट। हेलो, मैं सुप्रिया बोल रही हूँ। फरमाइए। प्रकाश, पापा का फोन आया था, मैं एक बार उनसे मिलने जाना चाहती हूँ। ये ससुराल आने के बाद बार बार अपने मायके जाना, ये बात कुछ जरूर। और वैसे अगर आपके डैड ने आपको बुलाया है तो मेरी इजाजत मांगने की क्या जरूरत? प्रकाश तुम भी ना, अब तुमसे नहीं पूछूंगी तो फिर किससे पूछूंगी? मेरे घर पर मेरे डैड भी तो, उनसे पूछ लो और चली जाओ, मैं थोड़ा सा काम करूँ। जरूर कीजिए। ओके बाय बाय। भाभी अगर आप जाओगी तो भैया का क्या हाल होगा? भैया की चमची, मैं कोई हमेशा के लिए थोड़ी ना जा रही हूँ। ये तुम क्या कह रही हो नैतिका? जो कह रही हो उसका मतलब जानती हो? मैं और उस निर्मला देवी से मिलने जाऊँ? आप कोई अकेले थोड़ी जाएंगे, मैं भी तो आपके साथ चलूंगी ना। फिर वही बात, तुम मेरे साथ चलो या मैं अकेला चलूं, सवाल तो वही उठता है ना कि मेरा निर्मला देवी से मिलना ठीक रहेगा? आपके दिमाग में भी वही बातें जो और सब लोगों के दिमाग में है। निर्मला देवी चंद्रिका की माँ जरूर है, लेकिन माँ और बेटी में जमीन आसमान का अंतर है। निर्मला देवी तो बहुत अच्छी औरत है, सच। अगर अच्छी औरत है तो अपनी बेटी को समझाती क्यों नहीं है? आप भी कैसे बच्चों जैसी बातें करते हैं, हम अपने राहुल को समझा सकते हैं क्या? आजकल के बच्चों को समझाना इतना आसान नहीं है। फिर भी राधिका तुम तो मिल चुकी हो ना निर्मला देवी से। ओ, मेरी बात छोड़िए, मैं तो उनकी तबीयत पूछने गई थी। आप चलेंगे तो दो बातें और हो जाएंगी, इसमें हर्जी क्या है? लेकिन अब ये लेकिन लेकिन छोड़िए, आप जल्दी तैयार हो जाइए। मुझे पूरा विश्वास है कि निर्मला देवी से मिलकर आपको बिल्कुल निराशा नहीं होगी। अकेली नहीं आई हूं, ये भी मेरे साथ आए हैं। सब
अरे अरे आप तकलीफ मत कीजिए ना, लेटे रहिए, आराम कीजिए। आपने यहाँ आकर बड़ी कृपा की। कृपा कैसी? आपकी तबीयत पूछना तो हमारा फर्ज है। आप लोग बैठिए ना। हाँ, परेशान मत होइए, हम बैठते हैं। अब आपकी तबीयत कैसी है? डॉक्टरों की दवाइयां चल रही, बाकी तो सब भगवान पर छोड़ दिया। आप ठीक हो जाएं। लगता है बहुत कमजोर। और क्या, ये बता रही थी कि थोड़ा सा चलने में ये थक जाती है। शरीर की थकान तो उतर भी जाएगी, पर मन का इलाज तो कोई नहीं है। आपके परिवार में जो कुछ हो रहा है उसका मुझे बड़ा दुख है, पर मैं मजबूर हूँ। मेरी बेटी चंद्रिका बहुत जिद्दी और नादान है, वो कुछ समझना ही नहीं चाहती कि मैं उसे समझा नहीं पा रही हूँ। कुछ नहीं चाहिए मुझे, ना बंगला, ना कार, ना नौकर, ना चाकर। आप अच्छी तरह जानती हैं मंजुला देवी, मेरी जिंदगी का सिर्फ एक ही मकसद है, मुझे केवल इस घर में मेरी माँ का अधिकार चाहिए, बस। सब हालात का दोष है, इंसान के वश में है नहीं क्या? हाँ, लेकिन एक इंसान दूसरे इंसान की तकलीफ का कारण बन जाए, ये भी तो अच्छी बात नहीं है ना? आप इतनी समझदार हैं, पर ये भी समझती हैं कि हमारे परिवार का सुख चैन अब आपके हाथ में। मैं तो उस दिन को कोस रही हूँ जब भावनाओं में बहकर मैंने सारी बातें चंद्रिका को बता दी, पर मुझे क्या पता था भाई साहब कि वो ऐसा बर्ताव करेगी, और वो भी आप जैसे अच्छे लोगों के साथ। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई भाई साहब, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। ये गलती नहीं, वक्त के खेल, और हम सब इसके शिकार होंगे। आप मेरी एक बात मानिए। जी, कहिए। आप चंद्रिका से कहिए कि हम लोग उसके दुश्मन हैं और सच्चाई से अनजान भी, हम उसका भी सुख चाहते, लेकिन आपको और उसे अपने घर में रखते हैं। इसके सिवाय वो जो कुछ भी चाहे हम उसे दे सकते हैं, और आप लोगों को किसी भी तरह की कोई भी परेशानी नहीं होती। गाड़ी, बंगला, नौकर चाकर, सारी सुख सुविधाएं आपके पास। बस एक बार चंद्रिका हमारी बात, पर आपको सोमानी विला में लाने का नहीं सोचा। आप हमारे लिए ये आखिरी कोशिश करेंगे ना भाभी? दिया है तो इतनी कोशिश तो करनी ही पड़ेगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम चलते हैं। चलो राधिका। अरे अरे, ये क्या कर रहे हो? मैंने आपको कहा जब मैं अपनी भाभी माँ के पैर छू सकता हूँ तो आपके क्यों?
जीते ना। हे भगवान, काश मेरी बेटी इन सब की अच्छाइयों को समझ सकती। ये सब क्या हो गया बेटी? ये मुझे कौन सी गुनाहों की सजा मिल रही है? मैंने कभी सोचा नहीं था कि हमारे घर में बोन कैंसर जैसी जानलेवा बीमारी किसी को हो सकती है, और वो भी तुझे, मेरी प्यारी बेटी को। पापा, पापा, आप उस कल को लेकर परेशान हो रहे हैं जो बहुत दूर है। आप आज के क्यों नहीं सोचते? आज आपकी बेटी आपके सामने जीती जागती खड़ी है। ना बेटा ना, आने वाला वो कल बहुत भयानक है, बहुत भयानक। लेकिन बहुत दूर भी तो है। 6-7 महीने बहुत होते हैं पापा। 6-7 महीने बस? और उसके बाद तू मुझे अकेले इस दुनिया में घुट घुट कर जीने के लिए छोड़कर चली जाओगी? नहीं पापा, नहीं, मैं इतनी पत्थर दिल नहीं हूं। मैं आपको अकेले थोड़े रहने दूंगी। मैं आपको एक नन्ना मुन्ना सा खिलौना देकर जाऊंगी, उसके साथ खेलना, उससे बातें करना। और पापा, जब आपको मेरी याद आए ना, तो आप उसमें मेरी छवि देखना। बेटा, जब तू भी नहीं रहोगी तो उस खिलौने से मैं क्या खेलूंगा? बेटा, बचपन से लेकर आज तक मैंने तुम्हारी हर जिद पूरी की है, लेकिन अब एक नहीं मानूंगा, तुम्हें जीना होगा बेटी, तुम्हें जीना होगा मेरे लिए, तुम्हारे लिए, उस खानदान के लिए जिनका चिराग तुम्हारी कोख पे पल रहा है। बेटी, तुम्हें जीना होगा। काश, काश ऐसा हो सकता पापा, ऐसा होगा नहीं, क्योंकि तकदीर के आगे इंसान का जोर नहीं चलता। पापा, क्या हम नहीं जानते कि बोन कैंसर से कोई नहीं बच सकता? बेटा, तो फिर मैं कैसे बच जाऊंगी पापा? मैं कैसे बच जाऊंगी?